मंदिर खाएंगे बहुत सारे। किदाव जी सारे बढ़िया, आपा भी बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमारा बस्तर का इवेंट बहुत ही खूबसूरती के साथ एंड हो गया और हम निकल रहे हैं अब डिब्रूगढ़ के लिए। और डिब्रूगढ़ में प्लान सबके अलग अलग है, कुछ लोग जा रहे हैं फ्लाइट से दिल्ली, कुछ लोग जा रहे हैं कैलकाटा, सबके अलग अलग प्लान है। पर मैं हिप्पी और उत्कर्ष जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हॉर्नबिल के लिए। तो देखो हमारे दोस्त जब छोड़ के चले गए थे, हम रुके हैं होटल राज पैलेस में क्योंकि शुभम ने हमारे को बोला, शुभम ने पक्का एडवाइस किया था कि इधर का रोटी खा लो क्योंकि उसके बाद वापस से तुम चावल पर आ जाओगे अगले 5-6 दिन के लिए, क्योंकि हॉर्नबिल पे भी तुमको चावल ही मिलने वाले और चावल खा के हम बोर हो गए। और लड़के की होगी तबीयत खराब क्योंकि याद है तेरी शायरी, सबको याद है, अर्ज किया है, शायरी सुना सकता है क्या? नहीं आज हालत नहीं है, आज अंदर अंदर से शायरियाँ सब निकल गई है बाहर। कल इतना हमने मतलब बवाल मचाया ना क्योंकि आखिरी दिन था, बहुत ज्यादा मस्ती कर। तो अभी क्या इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, हम जा रहे हैं पहले एटीएम क्योंकि हमारे पास इतने दिन से एटीएम था नहीं, तो आज एटीएम यहाँ पर क्योंकि ये सिटी है। दूसरी चीज ये भी है ना कि कोहिमा में जो है हमारा हॉर्नबिल चल रहा है, हाँ। तो वहाँ एटीएम तो जरूर है, हाँ। बट उन पर हम रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि इतनी भीड़ आई होगी उस टाइम पे, पता नहीं कि वो चलेंगे और इतना कैश होगा या नहीं, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे। तो अभी जा रहे हैं एटीएम, फिर इसको दवाई दिलवाते हैं, फिर वापस इसको कहेंगे थोड़ा रेस्ट कर क्योंकि रात की ट्रेन है। देखो जी डिब्रूगढ़ में एटीएम खराब मिल रहे थे और ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो हमारे को बाइक पे बिठा के ले गए एटीएम पर। भाई के लिए कुछ भी है? कौन सी दवाई ले रहे हैं? लीवोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं। 500 mg ठीक होएगा तो? आई एम वेरी होपफुल। देखो जी हम डिब्रूगढ़ पहुंचे और हमारे को पता लगा स्ट्राइक है, पर हमारे दोस्त थे इन्होंने हमारे को मैसेज छोड़ा हुआ था कि डिब्रूगढ़ में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे से मिल ले, और ये इत्तेफाक से हमारे को मिल गए थे जब एटीएम की हेल्प चाहिए थी, पहली हेल्प। दूसरी हेल्प हमारे को स्टेशन पे छोड़ने हैं रात को 11 बजे, तो मम्मी का दो बार फोन आ चुका है। ठीक है, ये मोहब्बत है जो कमा रहे हैं अपने, बस बस है ना। थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू जी। कह रहे बार बार मेरे को ब्लॉग में ले रहे हो, कोई बात नहीं, जो है वो दिखाना चाहिए। सफर के मुसाफिर निकल गए हैं, पर हमारे एक सफर के मुसाफिर की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अभी थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो अभी क्या है कि हमारी ट्रेन है ब्रह्मपुत्र, जो बोलते हैं कि यहाँ की सबसे स्लो ट्रेन है, वो दिल्ली तक जाने में डिब्रूगढ़ से पता कितने टाइम लेती है, गेस करो, 3.5 दिन, 52 घंटे, 5 घंटे लेट थी। क्या बात कर रहे हैं, उसी में आया हूं। 3.5 दिन लगाए हैं तूने, तेरी एक जिंदगी कट गई, 1 साल वहीं पर बिताया तूने अपने बर्थडे का। अभी अभी ताजे सूत्रों के अनुसार हमारे को ज्ञात हुआ है कि हमारे साथ जो एक महान इंसान है, महान जो सालों से ट्रैवल कर रहे जो 3.5 दिन लगा के दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे थे, उन्होंने आज की तारीख की जगह कल की तारीख की टिकट कराई है। तालियाँ होनी चाहिए इस बात पे, खूबसूरती के साथ उनकी शक्ल देख लीजिए, अभी उलझे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टिकट ली है जर्नल की टिकट लेने के बाद अब हम कुछ टीटी से बात करेंगे कि क्या हो सकता है, जो भी हो सकता है, ताकि इसको हम बीमार इंसान को अपने आसपास रखें। सीट्स तो अवेलेबल हैं बहुत सारी, गाड़ी आधी खाली पड़ी है, बस ये बात है कि आगे पीछे वाली सही मिल जाए। और यहाँ हो गया थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो गाड़ी नंबर है ना वो है डिब्रूगढ़ से दिल्ली वाली ब्रह्मपुत्र। मैंने सब मिला लिया, PNR मिला लिया है, गाड़ी नंबर मिला लिया है, सब कुछ मिला लिया है, सब यही बता रही कि ये है, लेकिन गाड़ी का बोर्ड बाहर कह रहा है कि ये दिल्ली जा रही है। ये दीमापुर जाएगी ना? नहीं दिल्ली जाएगी। दीमापुर वाली कहाँ जाएगी? दीमापुर नहीं जाएगी, बंदा ही कंफ्यूजन आएगा भाई, दीमापुर होके दिल्ली जाएगी। दीमापुर में जी आपका स्वागत है। ये हालत हमारी ऐसी, शक्ल देख लो, शक्ल कैसी लग रही है भाई साहब? हमारे को मिले हैं जो हमारे को छोड़ेंगे कोहिमा तक। कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? 3 घंटा लग जाएगा। ठीक है, कोहिमा पहुँचते हैं। चलिए हमारे को कहाँ जाना है अभी? कोहिमा विलेज।
कहा था इसी हम भूल भी जाता है। हम पहुंच गए कोहिमा और हमारे को अब गाड़ी करनी पड़ रही है शिफ्ट। अब हमारे नए टैलेंटेड ड्राइवर ये होंगे, हमारे को पहुंचा देंगे। हमारे को जाना कहा था इसीमा बिस्मा नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है पर पहुंच जाएंगे। आप बता रहे हो बीसीमा और क्या क्या है, दो एक जैसे नाम है। बीसीमा 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 और बेसीमा फीसीमा फीसीमा जो हम लोग जा रहे हैं ना फेसीमा फेसीमा और बीसीमा भी पास पास में ही है दोनों। नहीं नहीं बीसीमा और आगे जाएगा वो तो माओ गेट पहुंचने वाला है। अच्छा फीसीमा जाना हमारे को बीसीमा अभी भी समझ नहीं है। फीसीमा फीसीमा ठीक है, मतलब हमारे को कंफ्यूजन हो रहा था हमारे को जाना कहाँ पर है। कोहिमा कोहिमा से फीसीमा तक इन्होंने लिया हमारे से 400। वेरी गुड, नॉलेज देनी चाहिए आगे से कोई आएगा आपके पास पता होना चाहिए ना। अच्छा इंसान है, मजा आ रहा है इनके साथ बात करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो जी कैंप साइड पर पहुंचने के लिए अब थोड़ा सा हमारे को ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। हिप्पी को हमने छोटा बैग पकड़ा है और हमारे बैग हमने उठा लिए। वी आर स्ट्रॉन्ग पर हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, ठीक है, दंगल होगा दंगल। फाइनली जी हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारे को लेने रिसीव करने आए मिस्टर हिमांशु। हिमांशु जी थैंक यू, आप नीचे तक आए हमारे को लेने के लिए क्योंकि ऐसे हम पहुंच नहीं पाते जितना चढ़ाई पर इन्होंने लोकेशन सेट किए ना। वैसे पूरा टेंट वेंट फुल सेट है यहाँ का लोकेशन, अब आपको दिखाएंगे पर ये कल और क्या क्या प्लान बनता है हिमांशु से हम पूछ के और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर तीन चार दिन में वो सब करेंगे। हिमांशु कह रहा है कि मैं थोड़ा कैमरा शाही हूँ पर आई नो धीरे धीरे कैमरा फ्रेंडली हो जाएगा जब हम ऐसे लेके घूमते रहेंगे। तुम्हारे को कितने दिन हो गए हिमांशु यहाँ पर? मुझे अभी 16 दिन हो गए, 17 दिन। ओके 17 डेज। पूरा सेटअप वेटअप तुमने यहाँ पर? पूरा सेटअप वगैरह। तो यहाँ की खूबसूरती देखने वाली है और ये लोकेशन शांत है। या और यहाँ से कितना दूर है फेस्टिवल की? दूर है अबाउट 1 किलोमीटर, अबाउट 800 मीटर। इट्स अपहिल बट या वी आर ऑन द टॉप ऑफ द किसामा विलेज। परफेक्ट, समझ गए। लोकेशन आपको कल दिखाएंगे तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब थक गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल जाएंगे, ये लोकेशन दिखाएंगे, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो इतने सारे काम पेंडिंग एक ही व्लॉग में दिखा दूंगा तो कैसे मजा आए। तो ठीक है जी, अब इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, कल डायरेक्ट ड्रोन शॉट के साथ दिखाते हैं आपको। ठीक है, बाय बाय जी, आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा, मिलते हैं कल।